हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज। आज हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रीड करने से पहले हमें एक बेसिक सी टर्म रीड करनी होगी जिसका हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आगे हमारे गॉस थ्योरम के टॉपिक में, तो इसका हमें पता होना जरूरी है। तो ये हमारा जो है एरिया वेक्टर, देखते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। देखिए, आपको कोई भी प्लेन सरफेस एरिया गिवन है, मान लेते हैं आपको ये एरिया गिवन है, तो कई सिचुएशंस में हमें क्या होगा, इस एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड तो आप काउंट कर सकते हैं, एरिया के फॉर्मूला आपको पता होते हैं अलग अलग शेप्स के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इसकी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। और डायरेक्शन के लिए हमें क्या बताना होगा, इसका वेक्टर डायरेक्शन बतानी होगी इसकी, कि डायरेक्शन किस तरफ है। तो इस प्रकार के किसी भी प्लेन सरफेस एरिया की डायरेक्शन अगर आपको बतानी हो, तो वो जो वेक्टर होगा जो इसकी डायरेक्शन दिखाएगा, वो इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। आप इस प्रकार से क्या कीजिए, इसके सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और वो जो वेक्टर होगा वो आपका क्या दिखाएगा, इस एरिया की डायरेक्शन दिखाएगा। हम मान लेते हैं ये सरफेस एरिया एस है, तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एस वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एस वेक्टर। ये आपके पास एरिया, इसका सरफेस एरिया एस है। इसकी डायरेक्शन दिखानी है आपको, ये नॉर्मल आप चाहे इसको यहाँ दिखा दो, परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है। तो देखिए, कोई भी वेक्टर हो आपको पता है उसको आप कैसे दिखाते हैं, इसको आप आर से रिलेट कर पाएंगे। आर कैप जो हमारा यूनिट वैक्टर होता था, इसको हम ऐसे लिखते थे, आर वैक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर। अब यहाँ देखिए, ये जो आर वैक्टर है ये हमने यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, याद करो इसको रिलेट करो। अब इस टर्म को उठा के अगर हम इधर लेके जाएं तो देखो, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, एस वेक्टर हटा दे, मैग्नीट्यूड हटा दे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, साथ में इसका जो है एस कैप, ये हमारा क्या दिखाएगा, इसकी डायरेक्शन। या इसको जो है हम एन कैप से भी यूज कर सकते हैं, इसको एन कैप, बुक्स में आपको एन कैप देखने को मिलेगा, जो इसका नॉर्मल वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन दिखाता है। क्लियर है? तो आपको सिर्फ याद इतना रखना है इसमें, कि जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो वो उस प्लेन एरिया का हमें डायरेक्शन दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ इसने, द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेन एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन, कि प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होता है उसके द्वारा स्पेसिफाई की जाती है या उसके द्वारा बताई जाती है। यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है कि आपके पास ये कोई सरफेस एरिया है। अब इसने जो है सरफेस एरिया स्मॉल माना हुआ है ds, तो जो स्मॉल एरिया मानेगा तो दोनों जगह हमारा क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्रकार से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जो ऐसे गई हुई हैं। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट केस है। दूसरे केस में हम यहाँ ले लेते हैं, ये हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कह सकते हैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स है यहाँ पे इस प्रकार से हैं। हम एक यूनिट एरिया लेते हैं, ये हमने एक एरिया लिया, इसको हमने एक बार तो इस फील्ड के अंदर रखा, एक बार हमने जो इसको इस फील्ड के अंदर रखा। एरिया दोनों केस में कैसा है, सेम है। अब देखिए, यहाँ पे तो हमने देखा कि इस केस में हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करती हैं हमारे इस गिवन एरिया को, उनकी वैल्यू कितनी है, 3। इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं हमारे गिवन एरिया को, कितनी है, 1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक मेजरमेंट है इस चीज़ की कि हमारे किसी गिवन एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस करेंगे उस एरिया को, उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा, जितनी कम क्रॉस करेंगे उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसको होता क्या है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोल लो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कह लो, क्रॉसिंग ए गिवन एरिया, कि आपको एक एरिया दिया गया है उसको कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? अब देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस प्रकार से, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, फाई
नीचे ई, ई हमने लिखा इलेक्ट्रिक के लिए, आगे जब हम मैग्नेटिक करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक के लिए अलग सिंबल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका जो आपका है मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एस वेक्टर आपका क्या था, जो हमारा सरफेस है, जो सरफेस एरिया है उसका वेक्टर है हमारा एस वेक्टर, और ई वेक्टर आपका क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट मल्टीप्लाई सरफेस वेक्टर। अब देखिए अगर इस एस वेक्टर की हम वैल्यू लिखें तो हमने अभी किया था, एस वेक्टर किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू में इसकी डायरेक्शन। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, हमने जब ये किया था आर वेक्टर के केस में तो आर इनटू में आर कैप, यहाँ पे आर कैप की जगह किसने ले ली है, एन कैप ने। क्लियर है? तो इसको जब हम एस वेक्टर को रिप्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, एस इनटू एन कैप। तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जो फ्लक्स है हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा, ई वेक्टर डॉट एन कैप एस। इसने बताया हुआ एस हमारा क्या है, एरियल वेक्टर, एन कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया। अब देखिए यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है डॉट मल्टीप्लाई किस किस के बीच में है, ई वेक्टर और एन कैप के बीच में, क्योंकि एस तो हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू हो चुकी है, तो एक नंबर है कोई भी, 5, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। डॉट मल्टीप्लाई जब हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कोस थीटा, ये आप प्लस वन क्लास में कर चुके हो। क्रॉस मल्टीप्लाई खोलेंगे तो साइन थीटा, डॉट खोलेंगे तो कोस थीटा। तो इसके अगर हम वेक्टर सिंबल को हटाएं, मैग्नीट्यूड में लिखें तो ई एस कोस थीटा। अब एन कैप कहाँ गया, एन कैप तो हमारा यूनिट वेक्टर था, उसका तो मैग्नीट्यूड वन होता है, तो वन को मल्टीप्लाई में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से आपको जो एक टर्म समझनी वो ये कि जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा किसके बीच में है, यहां से बच्चे जवाब देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एस के बीच में हमारा ये एंगल है, नहीं। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, जो आपका ये डॉट मल्टीप्लाई खुली ये किस किस के बीच में थी, एन कैप और ई वेक्टर, तो एंगल भी किन के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में। तो जो थीटा है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड नॉर्मल टू एरिया, एरिया का जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का आपका जो है एंगल, उसको हम थीटा बोलते हैं। क्लियर है? देखिए इसको हम समझने के लिए ऐसे ले सकते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इस प्रकार से एक कोई भी एरिया रखा हुआ है, ठीक, कोई हमारा प्लेन एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपके पास ये वाली, और जो इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन वो क्या है, वो तो हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है नॉर्मल। तो इस प्रकार से हमारा जो एंगल होगा इनके बीच में, नॉर्मल वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी यूनिट्स क्या क्या बनेंगी। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो आपको पता है लंबाई इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों हैं तो लेंथ ही, मीटर स्क्वायर, इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा था फोर्स बाई चार्ज। फोर्स को किस में मापेंगे, न्यूटन में, चार्ज किस में, कूलम में, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, न्यूटन बाई कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? सिंपली बन जाएगा। अगर आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो तो देखिए न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, मीटर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, कूलम का भी आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो तो m1 l3 l-3 a-1 ये जो आपका है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? डायमेंशंस पूछे तो 1 3 -3 और -1, ये सब चीजें हम प्लस 1 क्लास में कर चुके हैं। इसके बाद जो है यहां तो हमने एरिया जो है वो लिया एस, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस आ जाए जिसमें एरिया काफी स्मॉल हो, तो एरिया जब स्मॉल हो तो वहां पे एस को हम डी एस से रिप्लेस कर देंगे और जो फ्लक्स है उसको हम डी फाई से रिप्लेस कर देंगे। देखिए इफ डी फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए गिवन सरफेस एरिया डी एस, कि अगर सरफेस एरिया डी एस हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई, मतलब एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी स्मॉल, तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो सेम वही है, वहां पे ई डॉट एस था, यहाँ पे डी फाई आ गया तो ई डॉट डी एस, एन कैप हटेगा यहाँ से। अगर हम ये केस हमें कब करना होगा, हमें इस प्रकार का कोई इरेगुलर एरिया मिला, हम क्या करेंगे इसका एक स्मॉल एरिया मान लेंगे इस प्रकार से, इसके लिए पहले फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस प्रकार के स्मॉल एरिया सबको ऐड कर देंगे तो इस बॉडी के लिए जो हमारा इस एरिया के लिए टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इन सबको, एडिशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो ई वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ये आपका जो फॉर्मूला है टोटल फ्लक्स के लिए।
अब अगर आपका सरफेस एरिया क्लोज्ड हो, अगर सरफेस एरिया क्लोज्ड हो तो उसके लिए क्या आता है, जो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है इसके बीच में ऐसे लग जाता है। ये आपको क्या दिखाता है कि आपका जो सरफेस एरिया वो कैसा है, क्लोज्ड है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये थ्योरम दी थी तो उनके नाम पे ही इसको इसका नाम रखा गया गॉस थ्योरम। तो चलिए सबसे पहले तो हम जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्लियर है आपको, चलिए इसके बाद इसको आगे समझते हैं। हम इसको करते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो ये चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर डायरेक्शन में इस प्रकार से फैला होगा। क्लियर है। अब इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है ये हम अभी इस टॉपिक के बाद करेंगे। गॉसियन सरफेस आपका एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होती है, एक जैसी होती है। अब यहाँ आप देखोगे ये आपका सर्कुलर एरिया है तो इस चार्ज से चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ इस सर्कल की रेडियस रहेगी और रेडियस आपको पता है हमेशा एक जैसी वैल्यू रखती है किसी एक सर्कल के लिए। तो इसके हर पॉइंट पे जो नीचे का आपका आर स्क्वायर का फैक्टर है वो सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, सेम रहेगी। अब इस पूरे एरिया के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो पूरे का हम एक साथ नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे इसका एक स्मॉल एरिया लेके चलेंगे और इस स्मॉल एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए ये हमने एक स्मॉल एरिया माना ds, ये हमारा स्मॉल एरिया ds है जिसका जो वेक्टर होता है जो उसकी डायरेक्शन दिखाएगा वो क्या होता है उसके परपेंडिकुलर या उसके नॉर्मल कह लो। क्लियर है। तो ये हमने इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इस ds के ऊपर या कोई भी पॉइंट है यहाँ पे तो उसके लिए आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से तो हमेशा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाता है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे ही। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो एरियल वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक जैसी है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर है। चलिए इसका मैथमेटिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने कोई भी एक पॉइंट एस माना कि कोई हमारा पॉइंट एक एस है जो हमारे इस सरफेस पे लाई करता है, ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, ये वाली होगी 1/4πε0 चार्ज बाई डिस्टेंस का स्केयर। क्लियर है। क्योंकि जो फोर्स होता है उसमें जो सेकंड चार्ज होता है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स बाई चार्ज होता है, ये हम बहुत पहले कर चुके हैं। क्लियर है। इसके बाद इसने ये बताया कि इस पॉइंट पे जो भी हम पॉइंट एस लेते हैं यहाँ पे जो हमारा सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्शन और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो इस एंगल 0 की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हमारे फ्लक्स वाले में। तो देखिए फ्लक्स आपका क्या था, अब स्मॉल एरिया लिया हमने तो फ्लक्स भी स्मॉल dφ a वेक्टर डॉट ds, दोनों की डॉट मल्टीप्लाई खोलेंगे तो cos थीटा, थीटा कितना है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फ्लक्स कितना बने आपका eds। क्लियर है। अब हमें तो ये स्मॉल एरिया का नियम है तो टोटल एरिया के लिए फ्लक्स निकालना है तो टोटल के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। एरिया कैसा है, क्लोज्ड है तो क्लोज्ड के लिए सिंबल कैसा, इंटीग्रेशन के बीच में ये लगा देंगे। क्लियर है। तो dφ की वैल्यू कितनी आई अपने पास eds, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे तो eds वैल्यू पुट की, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस सर्कल के किसी पॉइंट पे देखो हर जगह एक जैसी वैल्यू रखता है, इसका मतलब ये कैसा है हमारा, कॉन्स्टेंट है। क्लियर है। तो बच्चे आपके पास ds, अब यहाँ पे ds ये स्मॉल एरिया था, आपको क्या करना है इस प्रकार के स्मॉल एरिया को इस पूरे सर्कल पे ऐड करना है तो आपको सर्कल का सरफेस एरिया चाहिए। तो जो सरफेस एरिया हमें टोटल चाहिए वो यहां से देखेंगे हम, ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहां पे अपना ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से हर डायरेक्शन में निकलेंगी। अब ये हम पेपर पे इसको देखते तो हमें ये 2D में दिखता है और 2D में हमें देखने पे ये कैसा लगता है, सर्कल लगता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो इस प्रकार से ऊपर की तरफ भी निकलेंगी सरफेस से और इसके नीचे की तरफ भी जाएंगी। तो इसका मतलब ये तो 3D में शेप हुई और 3D में कोई ऐसी शेप हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं।
क्लियर है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज अगर हमने कहीं रखा हुआ है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में होंगी, ऊपर भी नीचे भी लेफ्ट राइट में भी, तो हमारी 3D शेप बनेगी। और उस शेप का नाम क्या होता है आपका? सफियर। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे सरफेस एरिया किसका चाहिए? सर्कल का नहीं, सफियर का चाहिए आपको, क्योंकि ये हमें सर्कल तो 2D में देखने पर लगता है। तो यहाँ से आप रखोगे इसकी वैल्यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफियर, ये आपने इस प्रकार से सफियर बनाया हुआ है। सफियर का सरफेस एरिया सबको पता है 4πr² आपकी वैल्यू होती है। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अभी निकाला था इस पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी, टोटल सरफेस एरिया निकाला, इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा 4πr². अब देखिए 4π से 4π कैंसल, r² से r² कैंसल, यहाँ से क्या बचा आपके पास? यहाँ से क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से आपके पास एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल फ्लक्स आपके पास बना वो कितना आया? चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये आपके पास वैल्यू बनी टोटल फ्लक्स की। अब देखिए क्यू क्या था आपका? जो ये सफियर बना था या जो टोटल चार्ज था इसका, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हुआ? चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। यही बात तो गॉस ने हमें बताई थी, ये हमने मैथमेटिकल प्रूफ कर दिया। क्लियर है, ये आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ था। तो देखिए यहाँ से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, गॉस थ्योरम ने हमें क्या बताया कि आपके पास जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस पे वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस के, मतलब उस सरफेस पे जो टोटल चार्ज है उस चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। क्लियर है, इसके बाद हमने इसको किया एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, सिंपलिसिटी इसको हमने सिंपली समझाने के लिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, जो पॉजिटिव चार्ज हमारा इस प्रकार से यहाँ रखा हुआ है। अब इसके लिए हमने कोई भी एक पॉइंट मान लिया S, कि इस पॉइंट के ऊपर हमें इसका इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। हमने गार्जियन सरफेस ड्रॉ किया, ऐसा सरफेस जहाँ पे हर जगह उसके पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। अब हमने स्मॉल एरिया लिया DS, वेक्टर की डायरेक्शन बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, तो यहाँ से हमने देखा दोनों के बीच का एंगल जो होगा जीरो होगा। मैथमेटिकल स्टार्ट किया कि इस सरफेस पे कहीं भी आपका ये पॉइंट एस हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने वैल्यू पुट कर दी ये वाली E=1/4πε₀Q/r². दोनों के बीच का एंगल बताया कितना? 0 डिग्री। किस किस के बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एरिया उसके वेक्टर के। अभी इसकी वैल्यू हमने फ्लक्स जो किया था अभी स्मॉल फ्लक्स उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने टोटल निकाला, टोटल के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है उसके हर पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है हर जगह। सरफेस एरिया किसका है? हमारा जो है एक पॉजिटिव चार्ज तो सफियर बनाता है, तो सफियर का हमने सरफेस एरिया पुट कर दिया। यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तो अपने पास जो डेफिनेशन थी वही आपके पास इसकी वैल्यू बचती है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास गार्जियन सरफेस है ये क्या होता है। देखिए गार्जियन सरफेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब जो हमने बनाया हो, हमने खुद ने बनाया हुआ है, रियलिटी में ऐसा कुछ ना हो। देखिए गार्जियन सरफेस क्या है? एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज कॉल्ड द गार्जियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। कि एक ऐसा सरफेस एरिया जो किसी एक चार्ज को कवर करता हो, मतलब चार्ज उसके अंदर हो, जैसे हमने ये लिया था ये चार्ज क्यों है, इसके बाहर हमने ये गार्जियन सरफेस बनाया था। क्लियर है, तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये हमारे लिए जरूरी है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है ये पॉइंट। बाई क्लेवर चॉइस ऑफ गार्जियन सरफेस वी कैन इजिली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई सर्टेन सिमेट्रिक चार्ज कन्फिग्रेशन विच आर अदरवाइज क्वाइट डिफिकल्ट टू इवेल्युएट बाई डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। देखिए इसकी हेल्प से हमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई भी चार्ज जो सिमेट्रिक चार्ज है जो बनाएगा किसी भी सरफेस पे वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी इसी केस में देखें गॉस थ्योरम वाले में ये एक चार्ज था, अब इसके कारण आपको किसी सरफेस एरिया पे मान लो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था तो हम कैसे निकाल सकते थे? हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन इसके लिए हमने ये गार्जियन सरफेस बना के इसको हमने काफ़ी इजीली कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, गार्जियन सरफेस हम हर शेप के लिए बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? वो ऐसा हो कि उसके ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह सेम वैल्यू रखता हो, कॉन्स्टेंट वैल्यू रखता हो। क्लियर है, ये आपका गार्जियन सरफेस था। आगे जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।